की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते। जो सरकार अच्छी शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कुछ के विधानसभा के विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुछ विधानसभा के विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा कर्मियों का भर्ती करना होगा, करना होगा, करना होगा। 57,467 पोस्ट में बेरोजगारों का रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा कर्मी और शिक्षक भर्ती का जो करना होगा, करना होगा, करना होगा। साथियों, आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज निरंतर दूसरा दिन, अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन, छुरिया के विकास खंड शिक्षा अधिकारी छुरिया के कार्यालय के सामने में कल 1 अगस्त 2023 से सुबह 10 बजे से जो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हुआ है, वो रात में भी यहाँ पे हम लोग खाना खाए, यहाँ पे सोए, यहाँ पे बैठे, और उसके बाद आज सुबह से फिर से चालू हो चुका है और ये निरंतर चलते रहेगा। क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, आप देख रहे हैं पोस्टर के हिसाब से, विकास खंड छुरिया के उन विभिन्न प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था जो सरकार के नीति और नियम के अनुसार होनी चाहिए वो पर्याप्त हो, इन्हीं मांगों को, एक ही मांग को लेकर के हम यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और सरकार के उन नुमाइंदों को भी बताना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक और मिडिल स्कूल के जो शिक्षकों की जो कमियाँ हैं, जहाँ एकली शिक्षा व्यवस्था था वहाँ पे बीओ सूर्या के द्वारा लगभग 60 स्कूलों में एक एक टीचर की एक्स्ट्रा व्यवस्था किया गया है, अस्थायी व्यवस्था किया गया है, वो हमें मान्य है। चूंकि अभी भी उनके कथनानुसार प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूलों में 100 शिक्षकों की जरूरत है, तब जाके पूरा सूर्या ब्लॉक कवर होगा। कितनी बड़ी विडंबना है। और आज दूसरा दिन जब हम उनसे पूछे कि सर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूलों में जो टीचरों की कमी है उसकी उसका क्या होगा, तो उनका कहना हुआ कि वो मेरे बस की बात नहीं है, उसका जवाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ राजनांदगांव देगा। तो हम तो इस मंच के माध्यम से और हम इस सभा के माध्यम से, इस आंदोलन के जगह से हम उनको डीओ को बोलना चाहेंगे, राजनांदगांव डीओ जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी उनको कहना चाहेंगे कि छुरिया ब्लॉक में जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो पद रिक्त है, उन पद रिक्तों में जब तक आप, जिस प्रकार छुरिया ब्लॉक के प्रभारी ने, बीओ ने प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूलों में एक एक एकली शिक्षकों में शिक्षकों की व्यवस्था किया है, ठीक उसी प्रकार बीओ अगर आपके अधिकार क्षेत्र में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति करने का, तो हम आपसे बोलना चाहेंगे कि जब तक आप छुरिया ब्लॉक के पूरे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो पद रिक्त है, उन रिक्त पदों में जब तक आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा, ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप आए और आप आकर के हमारे इन मांगों को के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। और हम आपसे एक ही मांग रख रहे हैं और अभी कोई हमारा कोई बड़ा मांग नहीं है, आपके हाथों में है। चूंकि अगर मैं जानकारी की बात करूं तो न्यूज़पेपर में पूरे छत्तीसगढ़ की, अगर मैं बात करूं पूरे अनगो जिला की बात करूं, तो शहरों में टीचरों का ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब शहरों के स्कूलों में जितना शिक्षक होना चाहिए उससे भी ज्यादा शिक्षक वहां पे हैं। उन शिक्षकों को, अगर आपके पास छुरिया ब्लॉक में शिक्षकों की रिक्त स्थान है, ऐसे शिक्षकों को यहाँ पे ला करके
बच्चों को पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस खिलवाड़ को रोकें। आपसे हम इतना ही विनती कर रहे हैं, अगर आप जब तक हमारी मांगों को आप नहीं मानेंगे, हमारे ये आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं आम पालकगण हैं वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। छुरिया बीओ कार्यालय के सामने में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे, आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम आने वाले समय में विधायक के निवास का भी घेराव करेंगे और आने वाले समय में डीओ के कार्यालय का भी घेराव करेंगे और सीएम का भी पुतला दहन वगैरह सब करेंगे जो हो सकता है हमारे उन बच्चों के लिए। हम वो पूरा करेंगे जो आंदोलन में हम कर सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से डीओ को सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर आप यहाँ पर आकर के अपनी जो दशा और दिशा है कि आप छुरिया ब्लॉक के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ रिक्त पड़े शिक्षकों के बारे में क्या कर सकते हैं, आप आकर के आप यहाँ पे हमें जवाब दें, तभी जाके हम अगर हमें संतुष्टि लगेगा तो आंदोलन खत्म करेंगे, अन्यथा यहीं पे हम सोएंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे मरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकिलाब जिंदाबाद। इंकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सरदार शहीद भगत सिंह की जय। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की जय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय। लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते। जो सरकार अच्छी शिक्षा दे न सके वो निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, आने वाले समय में आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।